नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज एक बार फिर अमरावती में 7 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। यहाँ 7 ही संक्रमित मरीज अमरावती मनपा क्षेत्र से ही वास्ता रखते हैं, जिन्हें फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। विगत लंबे समय से कोविड संक्रमितों की संख्या को लेकर शांति बने रहने के बाद आज अकस्मात 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चलते स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप वाली स्थिति देखी जा रही है। बता दें कि इससे पहले वर्ष 2020 और 2021 में कोविड संक्रमित की 2 भयानक लहरें आई थी। वहीं जारी वर्ष के जनवरी माह में आई संक्रमितों की तीसरी लहर का असर बेहद सौम्य रहा था। साथ ही अब जून माह में संक्रमितों की चौथी लहर के आने का अंदेशा भी जताया गया है। लेकिन इसके बावजूद विगत जनवरी फरवरी माह से संक्रमितों की तीसरी लहर के निपटने से ही सभी लोग बाग इस महामारी के खतरे को लेकर पूरी तरह से निश्चित हो गए थे। वहीं विगत 1.5-2 माह से कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया था, जिसके चलते स्वास्थ्य महकमे में राहत की सांस ली थी। लेकिन आज अचानक 7 लोग कोविड संक्रमित पाए गए, जिसमें से 6 कोविड संक्रमित अमरावती मनपा क्षेत्र के हैं और 1 कोविड संक्रमित धामनगांव रेलवे का बताया जा रहा है। महाराष्ट्र एक्सप्रेस का चांदूर रेलवे स्टॉपेज कायम है, ऐसी जानकारी रेल रोको कृति समिति के नितिन गवली ने दी। 20 मई से महाराष्ट्र एक्सप्रेस का स्टॉपेज चांदूर रेलवे में बंद होने की संभावना जताई गई थी। यहां इस गाड़ी का आरक्षण भी बंद किया गया था, जिस पर रेल रोको कृति समिति ने रेलवे प्रशासन से संपर्क करने पर महाराष्ट्र एक्सप्रेस का चांदूर रेलवे स्टॉपेज कायम रहने की जानकारी रेलवे प्रशासन ने दी। यदि यह स्टॉपेज रद्द हुआ तो यात्री भड़क उठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की रहेगी। इसलिए सभी ट्रेनों को चांदूर रेलवे में स्टॉपेज देने की मांग कृति समिति द्वारा की जा रही है। इंडियन बुद्धा स्टैचू कमेटी द्वारा जिला पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर को एक निवेदन सौंपकर अमरावती में भी वैश्विक दर्जे का बौद्ध पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया। छठी तालाब परिसर में यह पर्यटन स्थल विकसित करने का सुझाव प्रस्ताव में दिया गया है, जिसके लिए हर संभव कोशिश करने का आशावाद पालक मंत्री एडवोकेट ठाकुर ने व्यक्त किया। शहर में वैश्विक दर्जे के बौद्ध पर्यटन स्थल की निर्मित होने से अमरावती के पर्यटन को गति मिलेगी, ऐसा विश्वास इंडियन बुद्धा स्टैचू कमेटी ने व्यक्त किया। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्पर्धक स्नेहल चौहान को चेन्नई में हुए 42वें राष्ट्रीय मास्टर स्पर्धा में 5 किलोमीटर तेज चाल स्पर्धा में सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। पुलिस विभाग में कार्यरत स्नेहल चौहान विभिन्न स्पर्धाओं में सहभागी होकर सभी को प्रेरणा देती है। स्नेहल चौहान को राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर मेडल प्रदान होने पर उनका गौरव किया गया। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रेरणा स्तर पर उनका भावभीना सत्कार किया गया। इस अवसर पर मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन के विभिन्न पदाधिकारी व मान्य उपस्थित थे। शहर के एक युवती के साथ विदेशी युवक ने 6,35,000 रुपए की ठगी की। इस मामले में साइबर पुलिस ने महिला की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। जानकारी अनुसार संबंधित विदेशी व्यक्ति ने शहर निवासी युवती को विवाह का प्रलोभन देकर 6,35,000 रुपए ठग लिए। स्वराज्यवीर छत्रपति संभाजी राजे की जयंती पर चांदूर बाजार में काटे गए 97 वृक्षों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से वीर भगत सिंह विद्यार्थी परिषद, संभूजी जयंती उत्सव समिति व गोसी टोम्पे महाविद्यालय द्वारा ग्रीन रन मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में 150 से अधिक स्पर्धकों ने भाग लिया। अधिक से अधिक पौधारोपण का संदेश इस कार्यक्रम से प्रसारित किया गया। मारपीट व लूटकाट के अपराध में जांच के लिए थाने में बुलाए गए व्यक्ति ने थाने में महिला अधिकारी व कर्मचारियों के साथ विवाद किया। बात इतनी बढ़ गई कि उस आरोपी व उसकी पत्नी ने महिला एपीआई के साथ थाने में धक्का मुक्की की, जिस पर राजापेट पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए आरोपी बाबू चुल्ले व उसकी पत्नी पूजा चुल्ले को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने दोनों को न्यायालयीन कस्टडी के तहत जेल रवाना किया है। बडनेरा वैगन कारखाने के पास सिद्धिविनायक कॉलोनी परिसर में रहने वाले संभ्रांत परिवार के 35 वर्षीय दिनेश मोहन अग्रवाल ने मालगाड़ी के नीचे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया वो लास्ट पोस्टमार्टम के लिए रवाना की। दिनेश ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया इसका पता नहीं लग पाया है, पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। सिटी कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत जवादी मंगल कार्यालय परिसर से एक दुपहिया चोरी हो गई, जिसकी शिकायत दुपहिया मालिक ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में की। शिकायत पर पुलिस ने अकोला के गजानन अजनकार नामक चोर को धर दबोचा। उसके पास से चोरी की दुपहिया भी जब्त की गई है।
राज्य परिवहन महामंडल की बस से परतवाड़ा से अमरावती आ रहे एक महिला के बैग से 60,000 रुपए कीमत का मंगलसूत्र चुरा लिया गया। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि जब वो बस में बैठी थी तो कुछ महिला है उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी, लेकिन जैसे ही वो महिला नीचे उतरी तो उसने अपने बैग से 60,000 रुपए कीमत का मंगलसूत्र नदारद पाया, जिस पर तुरंत मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने अज्ञात महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। महानगर पालिका द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत रविवार को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहर के अलग अलग 22 स्थानों पर विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था। मनपा की 15 स्कूलों समेत कई स्कूलों ने निसर्ग चित्रकला स्पर्धा, पर्यावरण संवर्धन पर निबंध लेखन का आयोजन किया। 880 छात्रों ने स्पर्धाओं में शामिल होकर जैव विविधता व पर्यावरण संवर्धन का संदेश दिया। अस्पताल के दशक पूर्ति पर्व पर डॉ हेडगेवार अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 62 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में संस्था के सचिव गोविंद जोग, प्रकल्प संचालक डॉ यशोदन बोधनकर, डॉ कीर्ति सोनी, डॉ सुमित पात्रीकर समेत कई मान्यवरों का समावेश था। जनकल्याण सेवा संस्था के कुल 7 प्रकल्प कार्यरत है। इनमें डॉ हेगडेवार अस्पताल व ICU महत्वपूर्ण वैद्यकीय प्रकल्प है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।